हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका बरनौल और मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नई डिश जिसका नाम है पोटैटो पेटीज, जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम बेस्ट और टेस्टी डिश है जिसे बच्चे आपके बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे बना के ट्राई करिए और आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि और इसकी सामग्री। आइए देखते हैं पोटैटो पेटीज बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये मैंने 15 आलू लिए हैं, इसे मैंने उबाल लिया है, धुल के अच्छे से मैंने उबाल लिया है। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, तेज पत्ता, धनिया की पत्ती और अजवाइन, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला और ये नमक। और ये मैंने मोइन के लिए घी लिया है और ये मैंने लिया है मैदा बड़े बाउल से एक बाउल, और इसे मैं मोइन, इसमें मैं अजवाइन, मैदे में मैं अजवाइन 1 चम्मच है, इसे अच्छे से मिक्स करके और ये घी डाल के इसे मैं अच्छे से कड़ा आटा गूंथ लूँगी। इन्हें मैं सब अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसका एक कड़ा आटा गूंथ लूँगी। इस लहसुन और मिर्च अदरक का मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी और मैंने कढ़ाई पे गैस पे कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और ये गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, सर्दी के लिए जीरा, आप चाहें तो कटोरा भी यूज कर सकती हैं। तेज पत्ता और ये मैंने आलू को मैश कर लिया है और अब मैं इसे डाल के कढ़ाई गलूंगी। ये देखिए हमारा आलू लाल होने लगा है, अब हम इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। एक करके मसाला डालेंगे, पहले मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद ये सब्जी मसाला 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखापन नहीं होता है इसमें सिर्फ कलर आता है, नमक, इसे सब डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम मूंगफली या हरी मटर ऐड नहीं करेंगे। देखिए बुलाते हुए बच्चे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा आलू भून के तैयार हो गया है और हम इसमें लास्ट में धनिया का पत्ता, धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। और ये मैंने आटा कड़ा गूंथ लिया है, मेरा आटा गूंथ के तैयार है। अब आइए देखते हैं, इसे मैं ठंडा होने दूंगी उसके बाद हम इसे बनाएंगे। अब हम ऐसे मैदे की एक लोई ले लेंगे और इसे थोड़ा सा बदला के हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। एक पतली सी रोटी जैसी हम इसे बड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए मैंने पतला सा इसे पेपर जैसा बेल लिया है और अब हम इसमें अपना आलू लगाएंगे, आलू का पेस्ट। ये देखिए इसे हम ऐसे आलू लगा देंगे और इसे हम हल्का सा साइड से करते हुए इसे हम पूरा अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने ऐसे रोल कर लिया है, ऐसे ही अपनी सारी लोइयों को बना लेंगे और इसे हम 6 से 7 घंटे अच्छे से फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में हम इसे ढक के नहीं रखेंगे, हम ऐसे थाली या प्लेट में ऐसे ही इसे खोल के 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। देखिए मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया, 7-8 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था, ये खड़ा हो गया है और अब हम इसे चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इसे कर लेंगे। ये देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई कर दी, इसमें मैंने डाला है ऑयल, जो चाहे वो ऑयल यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप फ्राई करती हूँ। और अब देखिए इसे हम हाथ की सहायता से हल्का सा दबा देंगे और इसके बाद हम इसे घी में डालेंगे। इसे हम तेज आंच पे उतारेंगे। इसे हम डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें इसका कलर चेंज होने लगा है, इसे हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी टूटता नहीं, बहुत ही ईजी फ्राई हो जाता है। देखिए मेरा फ्राई हो रहा है। इसे हम मन चाहिए चटनी के साथ ऐसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।